हमारा उद्देश्य यही है, राधा रानी का भजन करना है। राधा रानी गुरु जी सेवा वृंदावन में जी, आप हो अभी आ जाइए वृंदावन में सेवा करिए। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी सेवा करिए, आप वृंदावन में भजन थकिए, वृंदावन में जे रस है वृंदावन में अनेक दर्शन करिए, दामोदर श्याम सुंदर बाकी बिहारी जी। तो मतलब मुझे भी सेवा लगा दोगे? हाँ क्या। अच्छा, तो फिर ये वाला काम कौन करेगा अगर मैं सेवा करना शुरू कर दिया है? ये तो हो जाते हैं ना। अच्छा, वो हो जाता वो है। हो जाएगा। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, परिक्रमा मार्ग पर संतों का निकलना शुरू हो गया है। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि सुबह गुप्त संत निकलते हैं, ऐसे संत निकलते हैं जिनका दर्शन जो है दुर्लभ होता है, और मेरी कोशिश होती है कि आप सबको दुर्लभ संतों के दर्शन कराएं, महान और त्यागी संतों के दर्शन कराएं। ऐसे ही एक महान संत के दर्शन करा रहे हैं जो 8 साल से वृंदावन में हैं, सब कुछ छोड़ दिया, बस ठाकुर जी की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में लगे हुए हैं। महाराज जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे जी। महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ आप एकदम निरंकार की तरह जो है भक्ति में और भजन में लगा निकलते हुए चले जा रहे थे, परिक्रमा लगा रहे थे। फौजकुमार लगा रहा हूँ जी जी, सुबह सुबह फौजकुमार लगाते, वो ठंडी ठंडी जा। अच्छा, कै साल पहले वृंदावन आ गए थे? मैं तो 2003 साल में आया। 2003 में, 13 में। अच्छा, तो फिर आपकी उम्र तब बहुत छोटी रही होगी। मैं कौन 20-22 हो गया जी। अभी 22 है ना? अभी तो 30 है। अच्छा, 30 साल हो गया। 30 साल हो गया, तो यानी मतलब 22-23 साल की उम्र में आप आ गए थे। हाँ, उम्र में वृंदावन में, वृंदावन में आ गए थे। गुरु जी सर जी, तो घर परिवार कैसे छोड़ कर के? है घर वाली जो शॉप है वो घर में है, छोड़ दिया। अच्छा, वृंदावन में आया। अच्छा, राधा रानी की कृपा है, राधा रानी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए सब किसे छोड़ दिए, वृंदावन में आ गया जी जी। तो पढ़ाई क्या की थी महाराज जी? पढ़ाई तो उसमें तो 10 क्लास में करा था जी, आज इसमें तो आबार पढ़ाशुना करा है इसमें जी। तो 10वीं तक पढ़ाई की और फिर चले आए? हाँ, वृंदावन में आ गए। तो मन में क्या भाव आया कि आपने पूरा बदल लिया? वृंदावन में ऐसे से बताने भजन करेंगे वृंदावन में थकेंगे। अच्छा, इससे पहले कभी आए थे वृंदावन? ना ना, पहली बार। पहली बार आए? हाँ। और पहली बार आए और पहली बार ही वृंदावन में रम गए। हाँ, रम। अच्छा, तो घर वालों को फोन करके बताया क्या कि अब मैं? हाँ, बताया जो वृंदावन में मैं हूँ। हाँ, आप कोई चिंता नहीं करिए, हम ठीक है सब जी। अच्छा बोले जाए। अच्छा, ठीक है, आप भजन करें राधा रानी का, कोई बात नहीं। राधा रानी का। हाँ। तो अब जीवन का उद्देश्य बना लिया कि राधा रानी का भजन करना है। हाँ जी, वृंदावन छोड़कर नहीं जाना? नहीं जाएंगे। अच्छा, तो सुबह मतलब क्या क्या सेवा करते हैं, क्या क्या आप? हम तो सुबह सुबह तो उठे पोजकुमार लगाता हूँ, पोजकुमार से जमुना स्नान करता हूँ, समुना स्नान कर ठाकुर सेवा है, ठाकुर सेवा है, उसको बाद निधुवन में जाता हूँ, निधुवन में सेवा करता हूँ, शनि सेवा करता हूँ। अच्छा, अब वो 2-3 घंटा लगता है उसमें सेवा करने के लिए। तो सुबह प्रतिदिन यानी परिक्रमा लगाना और फिर जो है यमुना में स्नान करना है, अब निधु ठाकुर सेवा है, उसको बाद अब निधुवन में सेवा करता हूँ शनि सेवा। तो अभी जाकर वापस यमुना मैया में स्नान करना है? हाँ, यमुना में स्नान करे, उसको बाद मंदिर में आ गए जी, ठाकुर जी है, ठाकुर उठना जागना जी, उसको बाद बाती जी सेवा है, उसकी सेवा करता हूँ जी। गुरु जी कौन है आपके? गुरु जी है, गुरु जी जो पधर गया। अच्छा अच्छा, 3 साल हो गया जी, तो अब गुरु भाई होंगे? हाँ, गुरु भाई। हाँ, गुरु भाई है गुरु जी। अच्छा, उन्हीं के साथ काका गुरु है जी, आरो गुरु भाई जी है आश्रम है जी जी। तो ये सब पूरा कंठी मैं देख रहा हूँ, ये सब तुलसी माला है? हाँ, तुलसी का माला है जी, इसको धारण किए रहते हैं। हाँ जी, तो अब मूल जीवन का उद्देश्य है भगवत भजन करना, ठाकुर जी की सेवा करना। हाँ जी जी। तो ठाकुर जी की सेवा में भक्ति करते करते कितना रम जाते, कितना आनंद आता है कि सब कुछ घर बार सब छोड़ देते ना, डूबेगा ना जी राधा रानी का भजन में, वही बुझेगा। अच्छा, उसको जानकारी होगी जो राधा रानी के भजन में डूबेगा। हाँ जी, ना जे आएगा वो एक बार मालूम पड़ेगा जे राधा रानी का भजन कितना आनंद है, आनंद वो समझ जाएगा जी। और इस आनंद की भक्ति में गोते वही लगा सकता है जिसका मन में भक्ति में है, भक्ति है, भक्ति है, राधा रानी कृपा है जी, वही जी।
जी, और वो भक्ति में और वो भाव में बड़ा कष्ट कभी कभी मिलता है। कष्ट तो आनंद है, कष्ट नहीं तो आनंद कैसे? अच्छा, तो उस कष्ट में आनंद कैसे है महाराज जी? कष्ट ऐसा है जो पिता पिता माँ बाबा आत्मीय स्वजन बंधु बांधव छोड़ दिया, भजन में राधान जी कर रहे महाराज जी। अब जीवन का उद्देश्य क्या बनाया हुआ है? हमारा उद्देश्य यही है, राधानी का भजन करना है। राधानी गुरु जी यही सेवा वृंदावन में जी, अभी आ जाइए वृंदावन में सेवा करिए। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी सेवा करिए, आप वृंदावन में भजन थकिए, वृंदावन में जे रस है वृंदावन में अनेक दर्शन करिए, दामोदर श्याम सुंदर बाकी बिहारी जी, आप सेवा करो, खूब आनंद आ जाएगा आपका जी। तो मतलब मुझे भी सेवा लगा दोगे? हाँ क्या। अच्छा, तो फिर ये वाला काम कौन करेगा अगर मैं सेवा करना शुरू कर दिया है? ये तो हो जाते है ना। अच्छा, मैं आ जाइए भक्ति में करिए। हमारे धर्म संस्कार जो संस्कृति है जी, आप सभी आ जाइए वृंदावन में भजन करिए वृंदावन में। महाराज जी जब आप छोटे थे या मतलब क्या भाव आया आपके पास, आपके मन में आया कि आप इधर जो है घूमते चले गए भक्ति की तरफ? छोटे वाला से जो हमारा इच्छा है अच्छा, वृंदावन में जाएंगे वृंदावन में भजन करेंगे। कई साल की उम्र से ये भाव आ रहा था आपके? वो 5-6 साल उम्र, 5-6 साल की उम्र में, उपना में है। कि आपको जो है वृंदावन जाना है, वृंदावन में जाना है गुरु जी। अच्छा, गुरु बनाना है और गुरु बनाना है, सेवा करना है जी। तो ये छोटे से बचपन में मन भाव आ गया और फिर वो भाव जो है वही भाव है, वही जो राधानी की इच्छा कृपा कर रहे। तो दोस्तों अगर किसी को संत बनना होता है तो प्रारब्ध उसका है, यानी उसके जीवन का ऐसा प्रारब्ध है कि वो धीरे धीरे वो संत की ओर मुड़ जाता है। महाराज जी 5 साल की उम्र से यानी छोटे थे, बचपन में थे, तभी इनके मन में भाव आता था कि इन्हें वृंदावन जाना है, तभी इनके मन में भाव आता संतों की सेवा करना, और फिर धीरे धीरे मुड़े और 20-22 साल की उम्र में वृंदावन की ओर आ गए। तो ऐसे महान संत, त्यागी संत, वृंदावन में आप सब आएंगे तो आप सबको दर्शन होगा। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।